आज हम नाश्ता में चाउमीन बनाए थे फ्रेंड, और अभी हम नाश्ता करेंगे। तो ज़्यादा नहीं देना है पानी, हल्का से देना है, बस इतना ही देना है। कम से कम एक ग्लास रेडी हो गया है फ्रेंड। तो अभी हम हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सीमा गो पक्सल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल से फ्रेंड। और आप लोग कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आप लोग नाश्ता उस्ता किए नहीं फ्रेंड? तो अभी हम नाश्ता करने वाले हैं, चलिए मिलते हैं नाश्ता में। नाश्ता में देखिए चाउमीन बनाए हैं, और आज हम चाउमीन नाश्ता करेंगे, आप सबको दिखाते हैं। रुकिए, नाश्ता में चाउमीन बनाए थे फ्रेंड, और अभी हम नाश्ता करेंगे, और मेरा हस्बैंड काम निकलेंगे नाश्ता करके फ्रेंड। तो देखिए कैसा बना है चाउमीन, घर में हम ऐसे ही बनाते हैं फ्रेंड, हमको होटल का अच्छा नहीं लगता है चाउमीन, हमको इसलिए घर में बना के खाने से अच्छा लगता है, इसलिए आज हम नाश्ता में चाउमीन करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग क्या बनाए नाश्ता में कमेंट कीजिए मेरे को, ताकि हम आप लोग का रेसिपी यूज कर सकें। और हमको नया नया मतलब नाश्ता बनाना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। और मम्मा आप खाएंगे? टेस्टी तो बना है फ्रेंड, खाली कलर थोड़ा सा हल्का अच्छा कलर आया नहीं, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, टेस्टी बहुत भयान लग रहा है। पानी जाइए ना वहां से लेकर आइए ग्लास में, मेरे को भी दीजिएगा। हाँ बाल्टी में है, लेकर आइए। हम लोग कुछ भी नया चीज मतलब खाए रहने से फ्रेंड एक बार होटल में खाते हैं, दोबारा मन नहीं करता है होटल करने में, होटलबाजी हम कोशिश करते हैं कि घर में ही बनाएंगे, ताकि मतलब थोड़ा सा बनाएंगे ना तो हम लोग पूरा फैमिली हो जाएंगे, और इतना थोड़ा अगर होटल से लाएंगे ना पैसा भी ज़्यादा लगेगा, ऊपर से पूरा फैमिली तो होंगे नहीं, इसलिए कुछ भी बनाओ घर में बनाओ, और घर का टेस्ट कुछ अलग ही है, इसीलिए हम घर में हर चीज़ बना के खाते हैं फ्रेंड, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मम्मा। ये देखिए मेरा बेटी पानी ला कर दी, थैंक यू। तो फ्रेंड अभी आप लोग जानते हैं मेरा नशा चाय है, तो हम थोड़ी देर बाद चाय बनाएंगे, अभी फिलहाल हम चावल बैठाए हैं, आज हम पकल भात बनाएंगे फ्रेंड, और मतलब मारसी भाजी, जिसको जिसको जानकारी है उड़िया में हम लोग बोलते हैं मारसी साग, और हिंदी में शायद भाजी बोलते हैं, तो हम आप सबको दिखा देंगे फ्रेंड, उसको बनाएंगे आज, और पकल भात और मारसी साग का भाजी बनाएंगे, और पस्तू का चटनी बनाएंगे प्याज के साथ। तो ये रहा फ्रेंड भाजी, और इसको हम बनाएंगे अभी, तो इसको पहले चूर लेंगे, उसके बाद आराम से बनाएंगे फ्रेंड। मम्मा जय ने खाली लाइए, उसको फ्रेंड पहले चुनना पड़ेगा, घास फूस रहता है उसको निकालना पड़ेगा फ्रेंड, तो इसको इसे आराम से चुन लेंगे इसे करके। देखिए अभी हम भाजी काट लिए हैं, और इसको अभी पानी डाल देंगे, मैं खाना चढ़ा हुआ है, देखिए बंद कर दिया बेटा। हम लोग भाजी में पानी डाल देते हैं, ताकि सब जितना बालू रहता है नीचे गिर जाएगा। अभी हम चाय बैठा दिए हैं इंडक्शन में, अब बन जाएगा थोड़ी देर बाद। व्हाट्सएप पे किसको किसको पसंद है फ्रेंड कमेंट कीजिएगा, आज हमको खाने बादाम उदाम दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए अभी हम चावल भिजा के रखे हैं, और बिरी दाल भिजा के रखे हैं, इसका पीठा बनाएंगे शाम को। मेरा चाय बन गया है देखिए, और हम अभी चाय पी ले रहे हैं, और आप जानते हैं चाय नहीं पीने से मेरा सर दर्द हो जाता है फ्रेंड। जब हम पहली बार शादी करके आए घर में चाय बनता था फ्रेंड, एक सस्पेंड रहता है, हाँ सुनिए ना एक सस्पेंड था नहीं, अब मैं टिके नहीं चाय पीती, दो नहीं करी डर से फ्रेंड थोड़ा सा ही चाय पीते हैं,
और ऊपर से लाल चाय, पीते भी नहीं थे, जबरदस्ती पीने। फिर हम सोचते और एक बार पीने मन करने से शायद गाली देंगे ना, क्या पता नहीं फ्रेंड, इसीलिए हम थोड़ा सा चाय पीते थे और रहता है वही चाय सब। फिर मेरा एक दिन सास बोली आप चाय पीते हैं, हम बोले हाँ हम तो दिन भर चाय पीते हैं, तो वो सब रखा हुआ है काहे नहीं पी रहे, हम बोले पता नहीं आप लोग गाली देंगे ना क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड इसीलिए हम ये नहीं चाय को डर डर से पीते थे फ्रेंड। तो चाय का घड़ी दो उसी तक भूतनी नहीं था मामा ए भूतू चमोच घड़ी कर पियो चमोच कर पी बस कर पी बोल कर पी बता लेना होय दीदी मैं तुम्हारा घर पे लूँ ना ऐसे तो लाचा सस्पेंड था ना तो मुझे नट्टी के नहीं पीती के तो भाई रोका था तो चार बजे तक रोका था बाद में सही करनी करो हम कर कर पी आओ थोड़े रेडी हो गया है फ्रेंड। तो अभी हम प्याज पुस्तो बनाएंगे थोड़ी देर बाद। इसको पसंद है प्याज पुस्तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आज हम आप सबको प्याज पुस्तो का रेसिपी मतलब दिखा देंगे हम कैसे बनाते हैं। तो आप लोग मेरा ब्लॉग पर बने रहिए और देखिए हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए तो फ्रेंड देखिए प्याज को हम काट के रखे हैं और पुस्तों को भी मतलब ग्राइंडर कर दिए हैं, मतलब पुस्तों में ज़्यादा कुछ नहीं दिए हैं, लहसुन मिर्चा और अदरक दिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले एक तेल को गरम कर लेते हैं धीमी आंच में। गरम हो जाने के बाद आराम से प्याज को डाल देंगे। तो पहले प्याज को हम लोग फ्राई कर लेंगे फ्रेंड ऐसे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड, हल्का सा। तो फ्रेंड देखिए इस तरह सा प्याज को फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है फ्रेंड। और इसके बाद अभी पोस्तू कम डालेंगे। तो ये रहा फ्रेंड पोस्तू और इसको उसमें डालेंगे। तो ये जो लगा हुआ है जार में उसको थोड़ा धो के पानी में डाल देना है, ऐसे डाल देना है फ्रेंड। फिर इसको चला देना है। अभी कलर दे भी सकते हैं फ्रेंड बहुत को ये वाला नहीं भी, लेकिन हम हल्का सा कलर दे देंगे फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं देना है, हल्का सा कलर दे देंगे और मिर्चा कलर हल्का सा दे देंगे। आप लोग देखते रहिए। तो ये रहा हल्दी, हल्का सा कलर दे देंगे, ज़्यादा नहीं, मिर्चा कलर दे देंगे थोड़ा सा और इसे करके चला देंगे। और ये रहा देखिए थोड़ा सा कश्मीरी कलर है, इसमें थोड़ा दे देंगे तो फिर और बढ़िया आएगा कलर। और इसको भी इसे चला देना है और नमक देना है स्वाद अनुसार। तो नमक तो नमक दे देते हैं फ्रेंड, देखिए स्वाद अनुसार आप लोग का जितना इच्छा उतना दीजिए आराम से। तो दे दिए फ्रेंड, अभी इसको चलाते चलाते रहना है थोड़ा सा फ्राई होने के बाद। अभी हम इसमें टमाटर दे देंगे फ्रेंड काट के। तो ये रहा टमाटर फ्रेंड, इसको टमाटर को डाल देंगे हल्का सा, टेस्टी अलग अच्छा बनेगा फ्रेंड। इसको अभी चलाते रहना है और हल्का सा पानी दे देना है आप लोग का अनुसार, ताकि टमाटर ठीक से गल जाएगा। तो ज़्यादा नहीं देना है पानी, हल्का से देना है, बस इतना ही देना है, कम से कम एक गिलास पानी देना है। इसको ऐसे करके चला देना आराम से। प्याज पुस्तो का रेसिपी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा है ना, ताकि हम कभी आप लोग यूज करके देखिए मेरा रेसिपी, आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसा बना था कैसा नहीं। हम तो फिलहाल ऐसे ही पुस्तो बनाते हैं प्याज, जब पुस्तो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, और जब मतलब सब्जी बनाते हैं तो अलग टाइप का बनाते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी जाना चाहते हैं कि हम ठीक बनाते हैं ना नहीं बनाते हैं फ्रेंड। अभी लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं और हमसे आप लोग का थोड़ा आदत सा हो गया फ्रेंड, हर चीज़ अभी शेयर करने मन करता है, ताकि आप लोग का लाइक व्यूज देख के हमको बहुत खुशी लगता है। और वाकई मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लगने लगा होगा शायद, इस
मतलब इतना व्यूज देखने के बाद हमको लगता है कि जरूर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, इसीलिए हमको भी मन लग गया फ्रेंड। देखिए हम बिरी दाल को ग्राइंडर कर ले रहे पहले, और उसके बाद हम चावल को पीसेंगे। तो पहले बिरी पीस लेते हैं, बिरी दाल पीस लिए फ्रेंड, अभी चावल पीस रहे हैं। तो बन गया फ्रेंड, देखिए अभी इसको जाके वहाँ बिरी दाल पीस के रखे हैं फ्रेंड, इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको पीस लिए, एक किलो चावल में कम से कम एक पाव बिरी होना, बिरी दाल होना बोल, इसको अभी इसे तक पसानेंगे। इसको इसे कम से कम 10-15 मिनट तक इसे घंटना पड़ेगा, मतलब मिलाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड अभी इसको पूरा 10 मिनट चला लिए, बहुत सुंदर सा हो गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देना है फ्रेंड, खाली नमक और हल्का, इसको फ्रेंड ऐसे करके घाट के मतलब बढ़िया से मिला देना है। इसके बाद अभी इसको ढक्कन लेके इसे करके छान देना है फ्रेंड। हम मतलब उसको छान के रख दिए हैं, और 2-3 घंटा बाद वो बढ़िया से बन जाएगा। तुरंत बनाने से दिक्कत होता है फ्रेंड, इसीलिए हम लोग थोड़ा मतलब बना के मतलब 2-3 घंटा छोड़ देते हैं। तो उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे फ्रेंड मेरा ब्लॉग पर बने रही, और कैसे पिठा बनाएंगे वो भी आप लोग खाना खा लेते हैं। देखिए आज पानी भात लिए हैं, और टमाटर चटनी है, और ये भाजी है, और ये प्याज पुस्तू है। बाबू ईशो आओ खाना खिला देंगे, आओ। हाँ आप पहले खाना खिला देंगे, आओ। टेस्टी बनाए ना, नहीं लग रहा अच्छा, हमको तो अच्छा लगेगा। नहीं खाएंगे ऐसे, जा खिलिए। थोड़ा सा झाल बन गया फ्रेंड पोस्तू चटनी तो, लेकिन टेस्टी लग रहा है। पोस्तू तो ऐसे भी बढ़िया लगता है फ्रेंड, लेकिन सब चीज़ ठीक है फ्रेंड। ऐसे भी हम लोग जो हलवा खाते हैं उसमें ज़्यादा अपना सब्जी नहीं रहने से भी फ्रेंड अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड देखिए अभी हम ये जो घोल के रखे थे बिरी और चावल का, अभी इसको पीठा बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है, आप सब मेरा ब्लॉग पर बने रहिए। देखिए और इसको ऐसे ही ज़्यादा नहीं देना है, जितना आप लोग को मोटा पतला खाना है इस टाइप का बनाना है, इसे घुमाना है। हल्का तवा में तेल पहले से दिए रहिएगा फ्रेंड, नहीं तो उठेगा नहीं। और देखिए फ्रेंड अभी इसमें चना आलू का सब्जी बना दिए हैं, बन गया है चना आलू का सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स को हम पलटी करेंगे कैसे, अटक गया पहला पीठा मेरा, उठेगा नहीं ये तो पतला। देखिए फ्रेंड देखिए इसको ऐसे करके पलटी करना है, इस टाइप का इसको बन, बहुत सुंदर बना फ्रेंड। और देखिए कितना अच्छा आलू चना, देखिए आलू चना का सब्जी बना के रखे हैं फ्रेंड ऐसे ही। तो अभी आज हम लोग का ये रात का डिनर है फ्रेंड। सो गाइस आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यू फ्रेंड है उसको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरा बात का इग्नोर मत कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।